hello friend welcome to you on my youtube channel goal by focus in this video we will see the comparison of gauss seidel and newton-raphson method friends you know load flow equations are nonlinear and they can be solved by an iterative methods the iterative methods are gauss seidel methods and newton-raphson method

द सेकेंड पॉइंट इज टाइम फॉर इच इटरेसन इन केस ऑफ जी एस मेथड इटरेसन इज लेस बट इन केस ऑफ न्यूटन रेप्सन मेथड इटरेसन इज अप्रॉक्सीमेटली फाइव टू सेवन टाइम्स मोर देन जी एस मेथड नेक्स्ट पॉइंट इज द टाइप ऑफ कन्वर्जेंस इन केस ऑफ जी एस मेथड कन्वर्जेंस इज़ लीनियर बट इन केस ऑफ न्यूटन रेप्सन मेथड कन्वर्जेंस इज क्वाडनेटिक फ्रेंड्स इफ यू टॉक अबाउट कन्वर्जेंस रेट जी एस मेथड इज़ स्लो बट इन केस ऑफ न्यूटन रप्सन मेथड कन्वर्जेंस रेट इज़ फास्टर इफ यू टाक अबाउट एक्ूरेसी ऑफ मेथड जीएफ जी एस मेथड इज़ लेस एक्ूरेट बट इन केस ऑफ न्यूटन रप्सन मेथड दिस इज मोर एक्यूरेट नेक्स्ट पॉइंट इज मेमोरी रिक्वायर्ड इन केस ऑफ जी एस मेथड मेमोरी रिक्वायर्ड इज़ लेस बट इन केस ऑफ न्यूटन रेप्शन मेथड मेमोरी रिक्वायर्ड इज मोर नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट यूजड इन केस ऑफ जी एस मेथड कोऑर्डिनेट यूज़ आर रेक्टेंगुलर आर पोलर इन केस ऑफ न्यूटन रेप्शन मेथड कोऑर्डिनेट यूज़ आर पोलर कॉर्डिनेट द रेक्टेंगुलर वर्जन इज फास्टर इन कन्वर्जेंस बट स्लाइटली less rel reliable than polar version that's why in case of newton-raphson method polar coordinates are used friend if this video is beneficial for you then please like and subscribe my channel and forward to your friends thank you you can also follow me on in telegram channel goal by focus thank you you can also follow my channel for technical tricks in various subject